एक आपने खुद ही जिक्र किया जीडीपी के आंकड़े किस तरह से आए हैं। क्या ये आंकड़े जो आए हैं जीडीपी के, क्या ये अब भारतीय बाजार को एक अंडर करंट देने वाले हैं? मतलब कुछ भी होगा तो लोगों के मन में आएगा, देखो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी है। नहीं देखिए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज इसलिए नहीं है कि आरबीआई ने ऑलरेडी बोल रखा था इसके आसपास। ये बात और है कि वर्ल्ड बैंक या जो भी है उनका अपना अलग प्रेडिक्शन चल रहा था, लेकिन हमारे लिए सरप्राइज इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी आरबीआई एस्टिमेट साथ के पास थे। तो मुझे बहुत, और देखिए 5% डिविएशन हमेशा रखिएगा, 5% डिविएशन अप और डाउन में कोई मार्केट उसको नेगेटिव नहीं लेगा, कभी कभी तो 7-8% में भी लेगा। तो इससे बहुत यूफोरिक नहीं होना है। द ओनली थिंग इट इम्फसाइज एंड कन्फर्म्स इज कि यहाँ से भी हमारा जीडीपी अच्छा दिख रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रहा, और इम्पोर्ट थ्रेट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, वो भी कंट्रोल्ड दिख रहा है। तो ये सब हमारे फेवर में जाएंगे, लेकिन नंबर्स अगर अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपको यूफोरिक कर सकते हैं, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि एज पर एक्सपेक्टेशन जा रहा है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका मुझे नहीं लगता, वो उम्मीद करनी चाहिए। 1-2 क्वार्टर में अगर ऐसे ही 2 सरप्राइज और आ गए तब भले ही हो सकता है कि फिर फोमो हो जाएगी, नहीं भाई हमेशा अपसाइड टारगेट बीट हो रहा है, लेकिन एक बार में तो नहीं। बिल्कुल। और अब जीडीपी के ये जो आंकड़े हैं, क्या ये आरबीआई को भी एक बार को कहेंगे कि ठीक है भाई, हमने जो चूड़ियां कसी थी, पेच कसा था, उसके असर हमें दिखने लगे हैं, तो अब फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, जो चल रहा है अभी चलने देते हैं? देखिए फिर अगेंस्ट आई मीन ऑल पोटेंशियल क्रिटिसिज्म मैं यही कहूँगा कि जब से दास बाबू आए हैं और जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स लगाया है आरबीआई पे, इकोनॉमी पे, वो काम कर रहा है, वो दिख रहा है। तो तो इसका इसमें मतलब ये कहने कि में आपकी क्रिटिसिज्म क्यों होनी चाहिए? फिर वो फेवरेटिज्म वाली बात हो जाती है ना, और मैं तो वो करता नहीं हूँ, नाम की बात, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए काम मुझे ठीक दिख रहा है, और बेसिक इकोनॉमिक्स देखिए, मैं तो क्रिटिसाइज भी फेड को बिल्कुल सामने से ओपनली करता हूँ, उनको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, सीधी सी बात करता हूँ, उनसे बेटर मैं जानता हाँ, हूँ लेकिन यहाँ जब आप पर। शक्तिकांत दास जी की तारीफ करेंगे तो कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देखेंगे ही। देख लें, मुझे तो आती ही नहीं है राजनीति, आती तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ बना हुआ पड़ा होता, मुझे नहीं आती इसलिए वहां पर फेल हो जाऊंगा। इसलिए मेरा ऐसा मन है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, और काम इसलिए अच्छा नहीं हो रहा कि जस्ट वो एक जो इंटरनेशनल मेथड है उसको फॉलो किया जा रहा है। एक्चुअली देखिए हर इंसान ना, एक मान लीजिए कि एक बड़ा सर्कल है, उसमें आपका एक अपना तरीका होता है, अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं। आरबीआई जो एडजस्टमेंट कर रही है ना इंटरेस्ट रेट की या लिक्विडिटी की, वो इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन सिचुएशन कर, और उसको थोड़ा ग्लोबली एडजस्ट करके रखती है, क्योंकि आपको करेंसी मैनेजमेंट भी करना है तो उसके लिए थोड़ा ग्लोबली एडजस्टमेंट भी करना है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करेंगे तो आपका आउटपुट अच्छा होगा। अगर यूएस के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अपने इंटरेस्ट रेट की एडजस्टमेंट करेंगे तो जिंदगी भर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ही बनेगी। फिर सवाल तो वही है ना, अभी पॉलिसी आएगी तो फिर उसमें क्या होगा? मतलब स्टेटस को बना रहेगा, क्योंकि आपको महंगाई भी घटती हुई दिख रही है, ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिख रही है। आप इंटरेस्ट रेट का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? कभी महंगाई घटाने के लिए करते हैं, कभी आप बढ़ाने अपनी विकास दर बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी आपको दोनों चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, तो फिर क्या अभी ऐसा ही चलेगा? अगली पॉलिसी में कुछ खास फेरबदल नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न है, इन्फ्लेशन या कोई भी एक ऐसा रीज़न है जो कि अब यहाँ से किसी भी तरह का इंक्रीज इंडिकेट करे। तो वो तो पॉज कंटिन्यू होना चाहिए, कट अभी थोड़ा सा और आगे जाएगा, बिकॉज 1-2 क्वार्टर और 5-4 के रेंज में आ गया, 5 के नीचे अगर आ गया ना 1-2 क्वार्टर में इन्फ्लेशन, तब शायद आप कट उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 और 6 का रेंज है तो मिड रेंज के अगर जब आपका ऊपर इन्फ्लेशन का नंबर है, ये आपको ये कंफर्ट देता है कि आप पॉज करते हैं, लेकिन ये कंफर्ट नहीं देता है कि फिर सॉफ्टर बायस शुरू करें। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपने प्रीएम्प्ट किया है अपना पॉज देने में, और उसके बाद जो भी यूएस फॉलो करे वो बात की बात है, लेकिन हमने यूएस को फॉलो नहीं किया है, अपने कंडीशंस को फॉलो किया है, ये तारीफ।